भारत में लॉकडाउन के चलते पलेरा में दिहाड़ी मजदूरों को खाने के लिए काफी परेशानी हो रही थी, जिसमें उनके बच्चे भी भूखे रह रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वह लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसमें शासन के निर्देश में तहसीलदार अनिल गुप्ता ने इन परेशानियों से जूझ रहे दिहाड़ी मजदूरों को राशन, गेहूँ, आटा, नमक इत्यादि जरूरतमंद चीजों को दिलाया, जिससे दिहाड़ी मजदूर काफी खुश नजर आए। और साथ ही तहसीलदार अनिल गुप्ता के द्वारा उन लोगों को नाश्ता भी करवाया गया। साथ में समाज सेवी डॉक्टर रीना भारती के द्वारा भी गरीब महिलाओं को इलाज एवं उनकी जरूरतमंद चीजों को उपलब्ध करा रही हैं। आपका पूजा कहाँ पर रहती हैं? यहीं पे पलेरा में। हाँ, कौन से वार्ड में? 13 वार्ड में। 13 वार्ड में क्या करती हैं आप? पत्थर बनाते हैं। तो अभी तो आपकी दुकानदारी चल रही है? नहीं चल रही है, बच्चे रो रहे हैं भूखे में। शासन द्वारा कोई लाभ मिला आपको? हाँ, अभी गल्ला मिला हमारा। कितना मिल गया गल्ला? 10 किलो मिला है। किसने दिलवाया? साहब ने दिलवाया। कौन से साहब? तहसीलदार ने। 10 किलो गल्ला मिल गया। हाँ। और क्या मिला था? और आटा मिला था। आटा भी मिला। हाँ। तो आप लोग खुश हैं? परेशानी तो नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं। पलेरा प्रशासन आप लोगों की सेवा कर रहा है? हाँ। रानी, कौन सा वार्ड है ये? 13 वार्ड। कोरोना वायरस से आप लोगों का काम नहीं चल रहा है, आप दिहाड़ी मजदूर हैं। हाँ। तो तहसीलदार सर के द्वारा आप लोगों को अभी राशन पानी दिलाया गया? दिलाया। क्या मिला है आपको? आटा मिला, समोसा मिले, नान मिला। तो आप लोग खुश हैं? अभी परेशानी तो खुश नहीं, परेशानी नहीं। बताओ सर, आज आपके द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को कुछ राशन पानी दिलवाया गया, इस शासन के निर्देश है कि जो जो मतलब जिन लोगों के पास पहले से पर्ची है उनको 3 माह का राशन दिलाया जाए, और कोरोना वायरस के चलते उनकी जो है जीवन यापन की कोई समस्या पैदा ना हो, तो ज़रूरतमंद लोगों को हमारे द्वारा इसका वितरण करवाया गया, समिति के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से। सर, मास्क भी बांटे जा रहे हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके पास जिसके पास पैसे नहीं थे, आपके द्वारा मास्क भी बांटे जा रहे हैं? डेफिनेटली जो समाज सेवी संस्था हैं वो हमें मास्क उपलब्ध करा रही हैं, और उन समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्क को हम आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोरोना से जैसे भी बचाव हो उसके लिए हम सब लोग तत्पर हैं। हमारे साथ ये डॉक्टर रीना भारती भी हैं, वो भी समाज सेवा में कार्य कर रही हैं, और आप जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं निरंतर रूप से इस कोरोना की जंग में। पूरा पलेरा हमारे साथ है, और हम देश के इस महान युद्ध में एक योद्धा की तरह हम सब लोग लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। टीकमगढ़ पलेरा से यूडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।